ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने घर बैठे अपने स्थान पर इस प्रकार से आकर्षण तिलक तैयार कर सकते हैं जो कि काम्या सिंदूर की सहायता से किया जाता है। मित्रों, काम्या सिंदूर की सहायता से वशीकरण का प्रयोग किया जाता है, आप सभी व्यक्ति जानते हैं। काम्या सिंदूर की सहायता से किसी आवश्यक काम को निकलवाने की शक्ति का उपयोग किया जाता है, यह भी आप जानते हैं। और काम्या सिंदूर की सहायता से ही आकर्षण करने के लिए एक तिलक बनाया जाता है, यह भी आप व्यक्ति जानते हैं। लेकिन उसकी विधि कोई कोई व्यक्ति जानता है, उसकी विधि बताने का प्रयास आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं। और इस विधि में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण की विधि बताई जाएगी, यानी जो आप रोजाना अपने माथे पर तिलक लगाते हैं वह तिलक आप किस प्रकार से लगाएंगे इस काम्या सिंदूर का बनाकर, वह विधि बताई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि काम्या सिंदूर से जो वशीकरण किया जाता है और जो अन्य कार्य किए जाते हैं उसकी भी विधि अगर हम आपको बताएं तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले वह जान लेते हैं, मित्रों, इस तिलक को अगर आपका कार्य रोजाना बथेरे लोगों से मिलने का है, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वह लोग आपकी बात माने, आपकी बात समझें और आपका कहा सच माने, तो उसके लिए मित्रों आप इस तिलक को अवश्य अपने घर पर बनाएं। आप स्वयं अपने हाथ से बनाएं ताकि आपको कोई संदेह ना रहे कि किसी प्रकार की कोई नकली सामग्री लगी हो या किसी प्रकार का कोई नकली तिलक हो। आप स्वयं अपने हाथ से बनाएं। यह जो सामग्री है यह आप एकत्रित कर लें, उसके बाद आप स्वयं अपने हाथ से इस तिलक को बना सकते हैं। यह सारी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आपने इस तिलक को बनाना है। तो मित्रों, यह तिलक आपने शनिवार के दिन बनाना है। ध्यान रखें, शनिवार के दिन ही इस तिलक का निर्माण करें। इसके लिए आपको चाहिए काम्या सिंदूर इस प्रकार से। यह ओरिजिनल काम्या सिंदूर है मित्रों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। और यह है गौरोचन। गौरोचन का आपने पाउडर नहीं लेना, ना ही काम्या सिंदूर का पाउडर लेना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, पाउडर आपने दोनों चीजों का नहीं लेना। काम्या सिंदूर भी आपने साबुत लेना है, एकदम ओरिजिनल लेना है। गौरोचन भी आपने साबुत लेना है, एकदम ओरिजिनल लेना है। और लाल चंदन को अगर आप खुद पीस सकते हैं, क्योंकि वह पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप खुद पीस सकते हैं तो लाल चंदन की लकड़ी को ले आकर उसको पीस लीजिए। अगर खुद नहीं पीस सकते तो उसका जहां आप श्योर हो कि यह चीज ओरिजिनल है वहीं से ही आप उसको प्राप्त करें, लाल चंदन का थोड़ा सा पाउडर ले लें, क्योंकि यह चीज आसानी से पीस जाएगी परंतु लाल चंदन को पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसलिए आप जहां से सुनिश्चित है कि यहां से ओरिजिनल मिलेगी वहां से ले लें। अगर आप पीस सकते हैं तो बेशक आप लकड़ी को लेकर उसको पीस लीजिए। अब इसको बनाना किस प्रकार से है यह जान लेते हैं। मित्रों, काम्या सिंदूर जब आप पीसेंगे तो तकरीबन इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार से यह हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह बारीक पीसा हुआ काम्या सिंदूर है और यह साबुत हम आपको दिखा रहे हैं। गौरोचन को जब आप पीसेंगे तो एक सिंदूर के भांति तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार से हनुमान जी का सिंदूर होता है उस प्रकार से सिंदूर के भांति यह तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का फीका रंग इसका आ सकता है परंतु सिंदूर की भांति तैयार हो जाएगा। इन तीनों को आपने गंगा जल की सहायता से या फिर गंगा जल के साथ आप अगर थोड़ा सा और यह चाहते हैं कि सारा दिन वह तिलक लगा रहे तो थोड़ा सा देसी घी इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा गंगा जल डाल के इसको तैयार कर लीजिए। गंगा जल डाल लेने के बाद कुछ इस प्रकार से यह तिलक आपका तैयार होगा। जब यह संपूर्ण बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका तिलक तैयार हो जाएगा। तिलक यह घोल लेने के बाद, यह विधि थी सिर्फ घोलने की कि किस प्रकार से तीनों चीजें आपने बीच के घोल ली। अब बात आती है इसको जागृत करने की। इसको जागृत करने के लिए कोई माला कोई ऐसी आपने जरूरी चीज नहीं लेनी है। इसको जागृत करने के लिए आपका दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए। यह जो उंगली है आपकी, यह उंगली आपने तिलक के अंदर इस प्रकार से घुमाते रहना है। और जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ वह मंत्र आपने 108 बार जपना है। बेशक आप
मंत्र जैसे खत्म होता है तो गिनती अपने मन मन में करते रहे, 1, 2, 3 मंत्र खत्म हुआ, 1 मंत्र खत्म हुआ, 2 मंत्र खत्म हुआ, 3 इस प्रकार से तिलक को यूं घुमाते हुए 108 बार आपने इस मंत्र का जप करना है। 108 बार जप कर लेने के बाद यह तिलक आपने अपने मंदिर में अपने पूजा स्थान पर रख देना है और उसके बाद रोजाना स्नान आदि से निर्वृत होकर जिस मंत्र का जप मैं आपको बताऊंगा उसी मंत्र का जप आपने जिस प्रकार तिलक जागृत करने के लिए किया है 3 बार वह मंत्र जपते हुए अपने माथे पर तिलक करना है, अपने कंठ में तिलक करना है और जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार से पलट चुकी है, आपकी दिनचर्या जो पहले होती थी उस दिनचर्या में आपका कितना फर्क आ चुका है। तो चलिए अब वह मंत्र जान लेते हैं। मंत्र जानने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर यह सामग्री आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी ले सकते हैं, अगर बना हुआ तिलक आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। तो चलिए अब उस मंत्र को जान लेते हैं जिस मंत्र का जप आपने करना है 108 बार और जिस मंत्र का जप आपने करना है 3 बार जब आप तिलक लगाएंगे। मित्रों मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं कत आमुक आकर्षण वर्षे कुरुकुरु स्वाहा, ओम ह्रीं कत आमुक आकर्षण वर्षे कुरुकुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने यह मंत्र जाप करना है और इसके लिए कोई माला नहीं लेनी। ध्यान रखें दिशा आपकी दक्षिण होनी चाहिए और किसी भी कंबली आसन या लाल आसन हो या कुछ भी हो आपके पास उस पर विराजमान होकर ही इस कार्य को करें। तिलक बना लेने के बाद पूजा स्थान पर इसको रख दें और अगले दिन से इस तिलक को लगाना शुरू करें। जब भी तिलक 3 बार माथे पे लगाएंगे तो 3 बार आपने मंत्र जाप अवश्य जपना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके मन में या और कामे सिंदूर के बारे में जानना चाहते हैं जैसे वशीकरण विधि या अन्य विधियां, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।